इस तरीके से टू पीसेस मेन फैब्रिक, जिसका भी आपने बैग बनाना हो कोई भी कपड़ा, दो पीस लाइनिंग के लिए कोई भी पुराने कपड़े में से कट कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 19 इंच, इसकी लंबाई मैंने लिया है 13 इंच। चाहिए इस तरीके से जो सीमेंट वाली और राइज वाली बोरी होती है प्लास्टिक वाली, वो आप यूज कर सकते हैं। फॉर्म शीट, कैनवस कुछ भी है वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं प्लास्टिक वाली बोरी यूज कर रही हूँ। सेम साइज के टू पीस की मैंने इसमें से लाइनिंग कट किया। अब हमें करना क्या है, मेन फैब्रिक लेना है। 2 मिनट लाइनिंग साइड पे रखते हैं। ये मेन फैब्रिक, ये लाइनिंग के लिए अंदर। अब हमें करना क्या है, राइज बैग लेना है इस तरीके से। इसके ऊपर ये जो मेन फैब्रिक है इसे रखना है, दोनों पीसेस को इस तरीके से रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। इसके साथ राइज बैग को अटैच कर लीजिए, सेम उसी तरीके से मेन फैब्रिक के साथ राइज बैग को अटैच कर लीजिए। मेन फैब्रिक के नीचे मैंने इस तरीके से राइज बैग को अटैच कर लिया। अब हम इसे शेप दे देते हैं। तो इसे हम दोनों पीसेस को रख के इस तरीके, ये देखिए, ये नीचे से दोनों तरफ से मैंने 3x3 इंच की शेप दे दी। अब हमें क्या करना है, लाइनिंग वाला पीस लेना है, इस पे भी यहाँ नीचे की तरफ से सेम ऐसे ही शेप दे दी। अब हमें क्या करना है, लाइनिंग वाले पीस पे हम पॉकेट लगाएंगे। तो कोई भी एक पीस ले लीजिए इस तरीके से, इसके ऊपर हम पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है। ये मैं जिपर पॉकेट बना रही हूँ, आप सिंपल नॉर्मल पॉकेट भी लगा सकते हैं अंदर। ये मैंने लिया 10.5 इंच और ऐसे है 8 इंच, और इसके साथ ली है मैंने एक जिप यहाँ पे इस तरीके से। जिप मैंने ली है 7.5 इंच की। अब हमें करना क्या है, पहले जिप को हम साइडों से फिनिश करेंगे। जिप को साइडों से फिनिश करने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े का टुकड़ा लिया है, इसे रखना है जिप के यहाँ पे इस तरीके से। इसे फोल्ड कर लीजिए, ये मैंने फोल्ड कर लिया, यहाँ पे सिलाई लगा ली। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को पलट दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, तो जिप हमारी इस तरीके से साइड से फिनिश हो गई। जैसे इस तरफ से फिनिश किया वैसे ही इस तरफ दो तरफ से मैंने इस तरीके से कपड़ा लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, पॉकेट लेनी है इस तरीके से, इसे रखना है बीच में रखते हुए, जो एक्स्ट्रा साइडों से निकाल दीजिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई। ये देखिए, ये मैंने पूरी लंबाई में सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच अटैच हो गई। अब हम इसे इसके साथ लाइनिंग के साथ अटैच कर देते हैं। तो लाइनिंग वाला पीस रखना है इस तरीके से, इस कट के साथ को इस जिप को रखना है, यहाँ से फोल्ड करना है, यहाँ से फोल्ड करना है इस तरीके से। तो ये मैंने तीन तरफ से फोल्ड कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक चारों तरफ, ये मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली। तो सिलाई की वजह से देखिए यहाँ पे हमारी इस तरीके से जिपर पॉकेट बन गई। अब हमें क्या करना है, ये रखा इसके ऊपर लाइनिंग का दूसरा, सीधी तरफ, सीधी तरफ इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। ये लाइनिंग वाला पीस है, यहाँ पे दोनों तरफ और नीचे की तरफ इस पे सिलाई लगा ली। यहाँ पे और नीचे तीनों तरफ हमारी सिलाई लग गई। अब 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं, स्ट्रैप बना लेते हैं। तो स्ट्रैप बनाने के लिए देखिए इस तरीके से कपड़ा लिया है, ऐसे मैंने लिया है 28 इंच और ये मैंने लिया 3.5 इंच। अब हमें करना क्या है, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, फोल्ड करके स्ट्रैप पे सिलाई लगा ली। ये मेरी स्ट्रैप इस तरीके से रेडी हो गई। तो स्ट्रैप साइड में रखते हैं। अब इस तरीके से दो पीसेस लेने हमें ऊपर ड्रॉ स्ट्रिंग के लिए बनाने के लिए। ये मैंने लिया है 5 इंच और इसकी लंबाई ली है मैंने इस तरीके से 11 इंच। अब हमें करना क्या है, पहले इसे साइडों से फोल्ड करना है, यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए 1 फोल्ड इस तरीके से, छोटा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पे 2, 3 और 4। ये मैंने इसके 1, 2, 3, 4 चारों कॉर्नर फिनिश कर दिया। अब इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है, फोल्ड करते हुए यहाँ नीचे से आपको छोड़ देना है। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ से भी 1.5 इंच पे निशान लगा लिया इस तरीके से। ये मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसके सिलाई से क्लोज कर दीजिए। मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ से ले जाते हुए यहाँ तक। तो ये हमारा यहाँ से ऊपर से क्लोज हो गया, यहाँ से देखिए इस तरीके से हमारा ये ओपन है। यहाँ से हमारी नीचे की तरफ से सिलाई आ जाएगी, तो यहाँ से हमारी ड्रॉ स्ट्रिंग डालने के लिए बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब इसे हम मेन के साथ अटैच कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक लेना है, रखना है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे रखना है इसे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। एक पीस इस पे अटैच कर लीजिए और एक पीस आपको सेम उसी तरीके से इस पे अटैच। ये मैंने सिलाई लगा ली, एक पट्टी इस तरफ लगा ली, एक इस तरफ। अब ये रखना है इसके ऊपर, ये दूसरे वाला पीस रखना है इस तरीके से रखते हुए 1, 2 और 3।
ये देखिए 1 2 3 तीनों सिलाइयां लगा ली। अब हम इसकी बेस वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो इसे पकड़ना है इस तरीके से, 1 यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक 2, 1 और 2 सिलाइयां लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से ये जो लाइनिंग वाला पीस है इसके भी बेस की सिलाई लगा लीजिए, 3 और 4। तो 1 2 3 4 चारों ने सिलाई लगा ली, 1 2 इसका भी बेस बना लिया और इसका भी बेस बना लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने लंबे वाली स्ट्रैप बनाई थी ये लेनी है और ये जो साइड वाला जोड़ है यहाँ पे जहाँ पे हमने ऊपर पट्टियां लगाई थी यहाँ पे रखना है एक स्ट्रैप को इस तरफ, इस पे सिलाई लगा लीजिए और दूसरी स्ट्रैप को रखना है बिल्कुल इसके पैरेलल दूसरी तरफ यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई से किस तरफ एक इस तरफ, इस तरीके से जो साइड है। अब इसे सीधा कर लेते हैं और ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया, यहाँ पे पट्टी इसी तरीके से लगी हुई है। अब लाइनिंग वाले को आपको सीधा नहीं करना है, लाइनिंग उल्टी तरफ से रहेगी ये सीधा रहेगा, इसे हमें इसके अंदर डालना है इस तरीके से ऊपर की तरफ राउंड पे, इस पे राउंड पे इस तरीके से इसे मिलाते हुए बराबर राउंड पे पूरे पे सिलाई लगा। ये मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली। अब यहाँ से लाइनिंग में किसी भी तरफ से यहाँ साइड से इतना इसे उधेड़ लीजिए ताकि हम इसे यहाँ से सीधा कर ले। ये देखिए यहाँ से थोड़ी सी सीम मैंने इसकी उधेड़ ली है। अब यहाँ से हम पूरा बैक को सीधा कर ले। जहां से हमने थोड़ा सा इसे उधेड़ा था सीधा करने के लिए यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा ली, जो थोड़ा सा छोड़ा हुआ था इस पे मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे अंदर की तरफ करके पहले हम इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने इसे अंदर की तरफ कर लिया, अंदर की तरफ करने के बाद इस तरीके से देखिए इस तरीके से दबाते हुए से पट्टी को ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड पे इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। राउंड में मैंने इसके पूरा राउंड में टॉप स्टिच लगा लिया। अब हम इसमें डोरी डाल लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने डोरी ली है, मैंने कपड़े की ही बनाई है, 2 डोरियां इस तरीके से, एक यहाँ से डालनी शुरू करनी है वापस घुमा के यहाँ पे निकालनी है और एक हमें इस तरीके से डालनी है अंदर की तरफ। तो हम इसमें डोरी डाल लेते हैं। इसे निकाल लिया और इसे यहाँ से हम नॉट कर देंगे, इस वाली डोरी को पकड़ते हुए इकट्ठे नॉट कर दीजिए। ये मैंने इसे नॉट कर दिया, ये देखिए ये मैंने इस तरफ भी नॉट लगा ली, इस तरफ भी नॉट लगा ली। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ड्रॉ स्ट्रिंग एनक्लोजर आ गया हमारा, यहाँ पे हमारे इस तरीके से हैंडल आ गए, हैंडल के साथ ही देखिए हैंडल के साथ ये हमारा देखिए क्यूट सा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बैक साइड, साइड्स इस तरीके से देखिए इसकी साइड्स आई हैं काफ़ी अच्छी, काफ़ी वाइड देखिए इस तरीके से साइड, वाइड बॉटम और बनाने में बहुत ही आसान, बिना फॉर्म के हमने इसे बनाया है बहुत ही इजी तरीके से और जिप लगाने का भी कोई झंझट नहीं है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने इस तरीके से ड्रॉ स्ट्रिंग का इसे बनाया है डिज़ाइन, ठीक है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा बैग देखिए बिल्कुल रेडी हो गया, फ्रंट साइड, बैक साइड।